अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। लाइफ में हम कुछ बातों को सिर्फ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उसको बहुत सारे लोग मानते हैं या विश्वास करते हैं। हो सकता हो आपकी सोसाइटी के बड़े लोग उस बात को मानते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं कि वो चीज़ हो सकता है हमारे लिए सही ना हो, गलत हो सकता है हमारे ऊपर लागू ही ना हो। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हर वो चीज़ जो बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, वो शायद आपके केस में गलत हो या लागू ही ना हो। कहानी है एक राजा की। इससे पहले कि मैं आपको कहानी सुनाऊं, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो में दिए गए टास्क को ज़रूर करें, तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये कहानी। वेलकम बैक। तो एक राजा की कहानी है। इस राजा को फैंसी कपड़े पहनने का बहुत शौक था। वो कई विदेशों से महंगे महंगे फैंसी कपड़े मंगवाता था। ये सुन के दो फैशन डिजाइनर राजा के पास पहुंचे और वो बोले कि मैं आपके लिए ऐसा कपड़ा बनाऊंगा जिसको देखते ही लोग बिल्कुल हैरान परेशान हो जाएंगे। तो राजा ने बोला, भाई ऐसी क्या खास बात है? तो उसने बोला कि मैं जो कपड़ा बनाऊंगा वो कपड़ा केवल वही देख पाएगा जो समझदार है। जो बेवकूफ़ है वो उस कपड़े को देख ही नहीं पाएगा। राजा बिल्कुल खुश। राजा ने उसको बिल्कुल ठाट बाट से रहने को दिया और उसको जो जो चीज़ें चाहिए थी, रिसोर्सेस, सब दिए। एक महीने के बाद कपड़ा तैयार हुआ। वो दोनों फैशन डिजाइनर राजा को कपड़े पहना रहे थे। सब जो पूरे लोग दरबार में बैठे वो देख रहे थे कि ये तो राजा कुछ पहन ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल कपड़ा तो है ही नहीं। लेकिन अब बोले कौन, क्योंकि सब अपने आप को समझदार समझते हैं। अब कोई बोलेगा तो वो कहेगा भैया लोग बेवकूफ़ है। तो राजा ने वो कपड़ा पहना। राजा भी कुछ नहीं बोल रहा है, वो भी बिल्कुल शान से उस कपड़े को पहन रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे तो कपड़ा दिख रहा है, वाह, क्योंकि मैं समझदार हूँ। कपड़े ने राजा ने जुलूस निकाला उसी कपड़े में। और अचंभे की बात यह है कि जो जुलूस निकल रहा था तो जितने लोग उस जुलूस में आए थे कोई भी नहीं बोल रहा था। तभी एक बच्चे ने चिल्लाया कि अरे अरे राजा तो नंगा है। लेकिन उसके बावजूद किसी ने कुछ नहीं बोला। यानी कि जो बात सब लोग मान रहे हैं उसको सब कोई एज इट इज फॉलो करते चले जा रहे हैं। देख रहे हैं कि उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद हम फॉलो करते चले जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ होता है वेट लॉस में। आलू मत खाओ तो वेट लॉस होगा, चावल छोड़ दो तो वेट लॉस होगा। आलू छोड़ने से किसी का वेट लॉस नहीं हुआ, चावल छोड़ने से भी किसी का वेट लॉस नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद लोग इसको आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं और दूसरे लोगों को बता रहे हैं, और जिसको लोग बता रहे हैं वो भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। अब जरा देखिए कि आलू हम खाते कैसे हैं। आलू को तीन तरीके से हम खाते हैं, एक तो फ्राई करके, चिप्स बना के, और बॉयल करके। अब अगर आप बॉयल्ड आलू का न्यूट्रिशनल कंटेंट देखेंगे तो 100 ग्राम बॉयल्ड पोटैटो जो है वो आपको 77 कैलोरीज देता है। इसके साथ उसमें कोई भी सॉल्ट या प्रिजर्वेटिव नहीं होते, कोई भी केमिकल कंपाउंड नहीं होते। उसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो सारे के सारे एज इट इज रहते हैं। फाइबर, वाइटमिन्स, मिनरल्स, सारी की सारी चीज़ें एज इट इज रहती हैं। जब आप उसको चिप्स बना के खाते हैं तो वही 100 ग्राम चिप्स आपको 572 कैलोरी देता है विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। इतना सॉल्ट होता है उसमें कि वो आपके हाइपरटेंशन को 1.5 गुना बढ़ा सकता है। तीसरा फ्राइज, 100 ग्राम्स देता है 372 कैलोरीज विद अगेन लॉट्स ऑफ सॉल्ट, और अगर वो पैकेज्ड में आ रहा है तो प्रिजर्वेटिव्स। तो आई एम श्योर बहुत लोगों को फ्राइज और चिप्स बहुत पसंद है। तो जब इस तरह से आप आलू को खाएंगे तो उसका पूरा का पूरा न्यूट्रिशनल कंटेंट खत्म हो जाएगा। तो उसमें क्या रह जाता है? सिर्फ वो चीजें जो आपके हेल्थ को खराब करेंगी। और वेजिटेबल से हमें मिलता क्या है? बहुत सारे वाइटमिन मिनरल्स। वाइटमिन मिनरल से क्या मिलता है ये हमने इसी सीरीज के थर्ड या फोर्थ पार्ट में समझा है। वाइटमिन मिनरल्स मिलता है एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, कोफैक्टर्स, जो आपके वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर सटाइटी फीलिंग में हेल्प करता है आपको। सो वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट में। अब आप बोलेंगे वेजिटेबल्स तो हम खाते हैं, लेकिन हम कैसे खाते हैं? उसको ओवर कुक करके। जब उसमें से सारा वाइटमिन मिनरल्स का कंटेंट खत्म हो जाए, सारा प्रोसेस ऑक्सीडेशन के थ्रू खराब हो जाए, वैसे खाते हैं हम वेजिटेबल्स को जिसमें कुछ नहीं बचता। सो दोस्तों, इस वीडियो में आज का टास्क है कि आप अपने डाइट में बहुत सारा वेजिटेबल्स को इंक्लूड करेंगे।
और वेजिटेबल्स कैसा होगा, जो सीजनल वेजिटेबल्स आ रहे हैं, गर्मी में गर्मी के वेजिटेबल्स, ठंड में ठंड के वेजिटेबल्स। ठंड में अगर मटर आते हैं तो उसको अवॉइड नहीं करना है कि वेट गेन हो जाएगा इसलिए मटर नहीं खाएंगे। और किसी भी एक वेजिटेबल से ज़्यादा प्यार नहीं करना, वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। और वेजिटेबल्स को इन तीन तरीके से खाइए। 1/3 ऑफ द वेजिटेबल्स रॉ होना चाहिए सैलेड के फॉर्म में, 1/3 ऑफ द वेजिटेबल्स बॉइल्ड हो, जैसे पटेटो को आप बॉयल करके खा सकते हैं स्पेशली अगर आप वर्कआउट करते हैं उसके बाद, और 1/3 ऑफ द वेजिटेबल्स आप करी के फॉर्म में खाएं। तो सबसे कम न्यूट्रिशन लॉस जो होता है वो इन तीनों फॉर्म में होता है, रॉ, बॉइल्ड एंड करी के फॉर्म में। जब आप उसको भुजिए की तरह भूंज देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन लॉस होता है। तो दोस्तों आज का टास्क बहुत ईजी, मज़ेदार, खूब सारा वेजिटेबल्स खाइए, अनलिमिटेड वेजिटेबल्स खाइए, लेकिन सिर्फ इन तीन तरीके से, या तो रॉ, वेजिटेबल्स और करी के फॉर्म में, तीनों को इंक्लूड करिए, तीनों तरीके। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक, एक नए टास्क के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग आउट।